कब्जा माफिया का डॉन मंशा बम इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश। मुलजिम के वकील की तमाम मुकदमात से दहशतगर्दी की दिफात खत्म करने की सदा। मुलजिम को एलडीए टीम पर हमला केस में अदालत नंबर 4 में पेश किया गया। पुलिस की वर्दी फिर तब्दील होगी, आईजी पंजाब का बड़ा फैसला। मौजूदा वर्दी आरामदेह नहीं, डिजाइन यही रहेगा, रंग बदलेंगे। वर्दी हमने पहनी है, किसी को क्या एतराज। आईजी अमजद जावेद सलीमी, वर्दी की तब्दीली के लिए कमेटी कायम। पुलिस दरबार में तमाम इंस्पेक्टर्स ने खड़े होकर नई वर्दी लाने की अपील की। हमें अपनी इज्जत वापस लेने के लिए रवैया बदलना होगा। किसी को राजी करने के लिए नहीं, अवाम की भलाई के लिए काम करेंगे। नए आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी की पुलिस रिफॉर्म्स के लिए दरबार में खिताब। तमाम एहलकारों को हफ्तावार छुट्टी देने का ऐलान। पुलिस इस्लाहात का मीठा लेक्चर, एहलकारों को नींद आ गई। आईजी साहब फर्शनासी का लेक्चर देते रहे, पुलिस अफसरान नींद के मजे लेते रहे। पुलिस दरबार में इंस्पेक्टर्स की अदम दिलचस्पी, पुलिस अफसरान ख्वाबों में मस्त। ताजपुरा में एलडीए का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इलाका मकीन मुश्तिल। ऑपरेशन की राह में दीवार बन गए, टायरों को आग लगाकर एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दी, अमले ने ऑपरेशन रोक दिया। पुलिस की मजीद नफरी तलब। मिशन क्लीन लाहौर, 5 रोज बाद लैंड माफिया की फिर शामत आ गई। मौजू बेगम कोर्ट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, 103 कैनाल अराजी वागुजार करा ली। अराजी पर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत सैकड़ों दरख्त लगाए जाएंगे। कसूर की जैनब समेत 7 बच्चियों को इंसाफ मिल गया। मासूम बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले दरिंदे मुजरिम इमरान को कोट लखपत जेल में फांसी दे दी गई। मुजरिम 30 मिनट तक तख्तादार पर लटका रहा। जैनब के वालिद के सामने फांसी दी गई। मुजरिम इमरान की कवां कब्रिस्तान में तदफीन। मुजरिम इमरान का वसीयत में अपने जुर्म पर पछतावे का इजहार। मुझे जुर्म की सजा मिल गई, जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करे जिससे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मुजरिम इमरान की वसीयत। मुजरिम इमरान को फांसी निशाने इबरत है, हमें इंसाफ मिल गया। मुजरिम का इबरतनाक अंजाम अपनी आंखों से देख लिया। जो भी ऐसा फेल करेगा इसका यही अंजाम होना चाहिए। जैनब के वालिद अमीन अंसारी की मीडिया से गुफ्तगु, ऐसे जराइम के खात्मे के लिए मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का मुतालिबा। मोटरसाइकिल सवार खबरदार होशियार, हेलमेट मोटरसाइकिल की टैंकी या हाथ में लटकाने पर जुर्माना डबल होगा। हेलमेट मौजूद होने के बावजूद पहनने पर 200 की बजाय 400 रुपए का चालान होगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम ईसीएल से निकालने का मामला, हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज खत्म कर दिया। नाम ईसीएल में डालने से मुतालिक हुकूमती अहकाम की कॉपी 15 रोज में तलब। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद की जेर सदारत इंसदादो पोलियो कमेटी का इजलास। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि पोलियो फ्री पाकिस्तान की मंजिल ज्यादा दूर नहीं। एफआईए का चूंग में छापा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 3 एजेंट गिरफ्तार। मुलजिमान में दानियाल, अशरफ और मोहम्मद यूसुफ शामिल। मुलजिमान के कब्जे से 9 पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और जाली दस्तावेजात बरामद। स्पॉट फिक्सिंग में सजा याफ्ता क्रिकेटर शर्जील खान का इस्तेमाल ईसीएल से निकलवाने के लिए दरख्वास्त पर समाप्त। हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और डीजी इमिग्रेशन को नोटिस जारी कर दिए, 26 नवम्बर को जवाब तलब। स्मगलर हसीना की मंशियात केस में पेशी, वालिद की जानिब से भिजवाई गई रकम टेरेसा को मिल गई। सजा हुई तो सफारतखाना मेरी मदद करेगा, टेरेसा की गुफ्तगु। समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप का 2रा रोज, बाबरा इस्लामाबाद की फुटबॉल टीम्स के दरमियान मैच जारी।